अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और आप लोगों में से जिस जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, उन सबको वेलकम, और आप सबका दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और ये रात का क्लिप है, यहाँ पर मैं दाल गीली करके रखने लगी हूँ मेरे शामी कबाब बनाने। और जब मैं दाल गीली करने लगी तो मुझे पता लगा कि दाल तो बिल्कुल थोड़ी सी है जार में, और पीछे पड़ी हुई थी शेड में। लेकिन रात का टाइम है क्योंकि ये, और रात के टाइम हम पीछे जाने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी हमारा गार्डन बना हुआ नहीं है, तो पीछे जाते हुए ना रात को मुझे बहुत डर लगता है। तो खैर, मैंने हस्बैंड को बुलाया और हम दाल लेकर आए। और मेरे पास 2 किलो मीट है, इसलिए मैंने 1 किलो दाल गीली की है। और मैंने प्रॉपर इसको मेजर करके गीला किया और मैंने अच्छा सा इसको वॉश करके रख दिया है। और मैं सुबह बनाऊंगी शामी कबाब। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। मेरे पास 2 किलो मीट है और ये बीफ का मीट है, और मेरे घर में रेशे वाले कबाब बनते हैं, इस वजह से मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं बीफ के मीट के। और ये बोनलेस है और बड़े बड़े पीस हैं इसके। और अब मैंने इसको डाल दिया पतीले में, और अब मैंने इसमें डाले हैं 9 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 9 ही जिंजर गार्लिक के क्यूब्स हैं, यानी 3 किलो मेरे पास टोटल है। 2 किलो मीट, 1 किलो चने की दाल, और 1 किलो के अंदर 3 प्याज डाले हैं। यानी मैंने इस तरह मैंने इसमें 9 प्याज डाले हैं और 9 क्यूब्स डाले हैं जिंजर और गार्लिक के। और मसालों में मेरे पास है 3 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 3 टीस्पून गरम मसाला, 6 टीस्पून सॉल्ट, और 60 इसमें मैंने डाली हैं ये राउंड वाली मिर्चें जो ड्राई वाली होती हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने पानी डाला है, और पानी तो अपने हिसाब से डाला जा सकता है। मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी डाला है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, और दाल मैंने इसमें नहीं डाली है। और दाल का पानी मैंने फेंक दिया है, और अब मैं मीट चेक कर लूँगी। यहाँ पर पकते हुए इसको तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, और अब मैं इसको देखूँगी कि कितना गल गया है, क्योंकि जब 70% मीट गल जाता है तब मैं दाल डालती हूँ। तो यहाँ पर ये 70% गल गया है, आराम से बोटी टूट रही है, यानी इतनी टूट रही है कि अभी 70% गला है, 30% इसमें कसर है। तो इस टाइम मैं इसमें दाल डालूँगी। दाल का पानी मैंने फेंक दिया था, बस दाल डालूँगी इसमें, और इसको मैं दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। और ये बहुत मज़े के बनते हैं रेशे वाले, क्योंकि बोटियाँ इसमें बड़ी रखी हैं मैंने, तो इस वजह से इसके रेशे बनते हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं इसको मशीन में नहीं पीसूंगी। जितना मीट होता है मैं उससे हाफ दाल लेती हूँ, यानी अगर आधा किलो मीट है तो आधा किलो दाल लेती हूँ मैं। मेरे पास 2 किलो मीट है तो मैंने 1 किलो दाल ली है, और जो मैंने मसाले डाले हैं वो अपनी मर्जी से भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैंने 3 टीस्पून या 3 टेबलस्पून के हिसाब से डाले हैं 3 किलो में। अगर ये 1 किलो होगा तो 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून हो जाएंगे मसाले। और यहाँ पर इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें से पानी ड्राई हो गया है और दाल भी अच्छे से गल गई है, मीट भी गल गया है। और जब इस तरह हो जाता है तो मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल हेल्दी वर्जन में दाल गोश्त हो गया, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ खाना। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और उसके बाद मैंने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया। ये बिल्कुल देखें ड्राई हो गया है, और बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, और मैं इसको गरम गरम ही पीस लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम अगर पीस लें तो इजी पीस जाता है, अगर ठंडा कर लें तो फिर वो उस पर ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं इसको मशीन में नहीं पीस रही हूँ, मैं इसमें पीसूंगी। और इसमें और कुछ भी नहीं पीसता है, ये किसी काम और नहीं आता है। मैंने सिर्फ शामी कबाब के लिए इसको बाय करके रखा हुआ है, और मुझे इसका नाम उर्दू में भी याद नहीं आ रहा है, पंजाबी में मुझे नाम इसका पता है लेकिन उर्दू वाला अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। दोरी डंडा कुछ इस तरह का इसका नाम है, मैंने ये रखा हुआ इसीलिए। इसमें और कभी कुछ नहीं पीसा हमने, और ये मैं खुद नहीं पीस रही हूँ, मुझे हस्बैंड पीस के दे रहे हैं, क्योंकि मेरे शोल्डर्स में प्रॉब्लम है तो मैं ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ। पहले पहले खुद करती थी, अब बहुत साल हो गए, हस्बैंड पीस के दे देते हैं, अगर बेटा घर में हो तो वो करके दे देता है। तो आज बेटा घर में नहीं था, तो गरम गरम इसको पीसना था, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं कर देता हूँ आपको, तो इन्होंने मुझे सारा पीस के दिया है। इसके अलावा पहले पहले ना हमारे घर में ना सिलबट्टा भी होता था, तो मेरे पास अब वो फिलहाल नहीं है। अगर मुझे कहीं से मिला तो मैं लेकर आऊँगी, मुझे उसका भी बहुत शौक है लेने का। पाकिस्तान से नहीं लेकर आ सकते हैं कि वो इतना हैवी है, तो वहाँ से तो नहीं आएगा, तो यहाँ से कभी मुझे मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इसके प्रॉपर रेशे बने, ये रेशे वाले कबाब हैं, क्योंकि इसमें बोटियाँ बड़ी थी और इसको मशीन में नहीं पीसा है इस वजह से। तो अब मैंने यहाँ पर इसको बड़े बर्तन में डाल लिया है, क्योंकि बर्तन छोटा था, और मैंने तकरीबन सारा ही डाल लिया है, बस थोड़ा सा अलग करके रखा है क्योंकि उसमें मैंने दूसरी चीज़ें डालनी है। और जो यहाँ पर मैंने डाला है सारा कबाब का मसाला, उसमें मैंने अंडे डाले हैं, और अब धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में एग्स सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो अंदर भी डालती हूँ मैं इसके, और ऊपर लगा के फ्राई भी करती हूँ। तो 3 किलो मेरे पास ये टोटल है, क्योंकि 2 किलो मीट था और 1 किलो दाल है, तो मैंने इसमें 6 एग डाले हैं, यानी 1 किलो में 2 एग। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं अंदर से। तो पहले पहले मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं एग्स, तो मैं ज़्यादा डालती थी।
तो फिर मुझे काफ़ी टाइम के बाद समझ आई कि अगर एग ज़्यादा डलते हैं तो फिर ये ड्राई हो जाता है अंदर से मसाला जो है। तो इसलिए 1 किलो में 2 एग बहुत होते हैं, बाकी अपनी मर्जी है, डाले जा सकते हैं ज़्यादा भी, मैं भी डालती थी पहले। और ये जो मैंने थोड़ा सा अलग करके रखा है, इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और धनिया डाला है, क्योंकि हरी मिर्चें और जो प्याज है उसके साथ कबाब मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ मैं खाती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से अपने लिए अलग करके बनाए, तो ये बस मैं ही खाऊंगी, बाकी किसी ने नहीं खाने ये। तो धनिया तो खैर उसमें भी डाला है, बस प्याज और हरी मिर्चों वाले नहीं खाते हैं मेरे घर में। और मैंने 1 एग डाला है इसके अंदर, और मैंने ये दोनों मसाले मिक्स करके रख लिए हैं, वो वाले कबाब भी और ये वाले भी। और मैंने आज बनाया कुछ नहीं था खाने में, तो अभी जब ये कबाब का मसाला रेडी हुआ है तो मैंने सोचा कि यही बना लेती है रोटी के साथ, क्योंकि मेरे घर में ये रोटी के साथ बहुत शौक से खाए जाते हैं, और राइस के साथ भी मैं बना लेती हूँ, सैंडविच वगैरह बहुत कम बनते हैं इसके। और मैंने ज़्यादा बनाए कबाब क्योंकि ये मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, बन कबाब बहुत बनते हैं इसके, जो पुराने बन कबाब और नए बर्गर होते हैं ना वो वाले, वो बहुत ज़्यादा बनते हैं मेरे घर में, और रोटी के साथ खाए जाते हैं, सैंडविच नहीं बनते हैं इतने ज़्यादा। तो इसलिए अभी जब ये मसाला रेडी हुआ है तो मैंने सोचा कि सालन तो वैसे ही नहीं है घर में बना हुआ, तो मैं अभी यही बना लेती हूँ रोटी के साथ। तो इस तरह पता भी लग जाएगा अगर कोई चीज़ कम है इसमें और डालनी है तो वो भी डाल लूँगी मैं, और खाना खाने के बाद फिर मैं कबाब बना के फ्रीज़ करूँगी। तो इसलिए अभी मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद अभी मैंने रोटी भी बनानी है। जब मैंने इसमें एग नहीं डाले थे और हम पीस रहे थे इसको, तो उस टाइम आप लोगों में से कौन कौन ये मसाला खाता है? जब हम छोटे होते थे, अभी तो खैर मैं नहीं खाती हूँ, जब छोटे होते थे ना तो जब हमारी अम्मी हमें बना के ये देती थी और फिर हमें कहती थी अब आप लोगों ने ये पीसना है, तो क्योंकि हम लोग शुरू से इसी में पीसते हैं, मशीन में कभी नहीं पीसा। हम जब पीसते थे ना, मैं और मेरी बहन, तो हम लोग ना पीसते पीसते साथ साथ इसको खाते थे, तो ये पका हुआ होता है जाहिर है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगता था। हमें बाद में कबाब खाने से कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, हम बस ये वाला ना मसाला खाते थे जो बॉयल हुआ हुआ होता है। तो हम पीसते पीसते ना कितना सारा खा लिया करते थे उस टाइम, तो हमारी मम्मी कहती थी तुम लोग पीसते पीसते आधा तो खा जाती हो दोनों। तो खैर वो वाले कबाब फ्राई हो गए जो सबने खाने थे घर में, और ये वो वाले हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें भी डाली हैं। तो इसके अंदर मैंने 1 एग डाला था और इसके ऊपर मैंने नहीं लगाया एग, ये मैं बगैर एग के कर रही हूँ फ्राई। और जो दूसरे वाले हैं वो मेरे घर में हमेशा एग अंदर भी डलता है और ऊपर भी लगता है उसके, और फिर मैं फ्राई करती हूँ। तो ये वाले क्योंकि मैंने बस अपने लिए किए हैं, तो मुझे ये था मेरा बेटा हो सकता है खा ले, इस वजह से मैंने 4 किए हैं, तो उसने खाए थे तो कह रहा था ठीक है ये वाले अच्छे हैं, लेकिन वो वाले ज्यादा अच्छे हैं जिनमें अनियन नहीं है। मेरे बच्चों को ना इस तरह किसी भी चीज़ में प्याज अच्छे नहीं लगते, तो खैर ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह डालते हैं कबाबों में प्याज और हरी मिर्चें। तो ये वाले भी फ्राई हो गए, और अब मैं इसके बाद बनाऊंगी रोटी और खा लेंगे खाना। और मैंने बहुत थोड़े से ऑयल में फ्राई किए हैं, अगर ज़्यादा में करें तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मैंने थोड़े ऑयल में फ्राई किए हैं। तो बस ये वाले कबाब भी रेडी हो गए, ये वाले भी रेडी हो गए, और रोटी भी बन गई है, अब खा लेंगे खाना। और खाना खाने के बाद अब मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं टेबल पर, और मैं कबाब बना के फ्रीज करने लगी हूँ। अच्छा ये वाला जो सांचा है ना रेड कलर का, ये मैंने अपनी बहन से मंगवाया था पाकिस्तान से, तो मैंने बहुत शौक से मंगवाया था क्योंकि बहुत पहले हमारे घर में ये हुआ करता था, पाकिस्तान होती थी जब मैं, तो जब लास्ट टाइम मैंने इससे कबाब बनाए थे तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो शामी कबाब नहीं है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर एक प्रॉपर शेप आती है कबाब की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी कबाब नहीं है वो, क्योंकि शामी कबाब जो हाथ से बनते हैं उनकी एक अलग शेप होती है, और हमेशा से वही वाली शेप हम देखते आ रहे हैं। तो इस वजह से ना मैंने लास्ट टाइम ही सोच लिया था कि बस अब ये जब ख़त्म होंगे ना तो इसके बाद दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं कबाब इस सांचे से। तो अभी जब मैं कबाब बनाने लगी तो मुझे याद आया कि सांचा है मेरे पास, तो मैं एक बार फिर ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने एक कबाब इससे फिर ट्राई करके देखा है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, तो बस फिर मैंने नहीं बनाया इससे। तो मैं हाथ से कबाब बना रही हूँ, शायद हम लोग यूज टू हैं शेप के, तो इस वजह से, तो पता नहीं जो भी है। तो मैंने बस ये सांचा रख दिया है, और इससे दूसरे कबाब बनाए जा सकते हैं, जैसे आलू और चिकन के बनते हैं या और डिफरेंट टाइप के कबाब बनते हैं, मैं वो बनाया करूंगी इससे, लेकिन शामी कबाब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो पिछली बार बनाए थे ना मैंने बहुत मुश्किल से ख़त्म किए हैं वो वाले। मैं वेट कर रही थी कि वो वाले ख़त्म हो जाएं और मैं दोबारा शामी कबाब बनाऊं, तो फिर मैं हाथ से बनाऊंगी, क्योंकि शामी कबाब मैं घर में ख़त्म नहीं होने देती हूँ, जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं दोबारा बना के फ्रीज कर देती हूँ, कि ये रोटी से भी खा लिए जाते हैं, और मेरे घर में इसके बर्गर बहुत बनते हैं जैसे मैंने पहले बताया बन कबाब, तो इस वजह से फिर मैं ये नहीं ख़त्म होने देती हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये हमारी एक ऐसी डिश है जो मोस्टली घरों में होती ही है बनी हुई, ये फ्रीज हुए हुए पड़े होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घरों में ये होते हैं फ्रीज हुए हुए। और ये वो वाले हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे, जिसमें प्याज और हरी मिर्चें थी, ये मैंने थोड़े अलग करके ऊपर रखे हैं ताकि ये मिक्स ना हो, तो बस मैंने इनको फ्रीजर में रख दिया था, और अब ये फ्रीज हो गए।
और मैं इनको निकाल लूंगी और निकाल के मैं इनको डाल लूंगी बैग्स में और फिर मैं इनको रख लूंगी और काफी सारे दिन आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर मैं थोड़े ज्यादा बना लेती हूँ कि फिर बार बार सेम काम करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है और ये अब काफी सारे दिन ना आसानी रहेगी। और मेरे ना चपली कबाब भी खत्म हुए हैं, मैं वो भी बना के इसी तरह फ्रीज करती हूँ। तो अब नेक्स्ट बारी उनकी है। तो अब जैसे दोबारा चक्कर लगा मैनचेस्टर की साइड का तो मैं मीट लेकर आऊंगी और इंशाल्लाह फिर मैं वो बना के रखूंगी। तो फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, वो मैं हाफ फ्राई करके रखती हूँ तो इस तरह वो फिर लॉन्ग टाइम के लिए ना बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो बस अब मैं इनको बैग्स में डाल रही हूँ और ये बहुत अच्छे बनते हैं, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और मुझे लगता है कि शामी कबाब बनाने की रेसिपी सबकी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। मैंने इसमें साबुत गर्म मसाले भी नहीं डाले, मैं नहीं डालती हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह बनाते हैं फिर तो अच्छी बात है, और अगर इससे थोड़ी डिफरेंट बनाते हैं रेसिपी तो एक बार ये वाली भी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत अच्छे और रेशे वाले कबाब बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी रेसिपी। मैंने सारे कबाब डाल लिए हैं बैग्स में और अब इनको मैं रखूँगी फ्रीज़र में। और आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं कभी कभी याद करवा देती हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।